साइबर जागरूकता अभियान में आज का टॉपिक है ऑटोमेटेड एसएमएस फॉरवर्डिंग ऐप। साइबर फ्रॉडस्टर फ्रॉड करने के लिए इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के फेक वेबसाइट ऐप यूआरएल ऑटोमेटेड पॉपअप बनाकर रखते हैं। जैसे ही आप किसी प्रलोभन में आकर, किसी झांसे में आकर, किसी भी प्रकार से आप ऐसे अनजान लिंक को या पॉपअप को क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने के पश्चात वह फाइल हाइड हो जाती है, यानी छुप जाती है, आपको फ्रंट पर दिखाई नहीं देती है और यह ऐप आपके मोबाइल में आने वाले सभी एसएमएस को साइबर अपराधियों के पास फॉरवर्ड कर देती है। फ्रॉडस्टर जालसाजों के पास आपके कुछ डाटा पहले से ही उनके पास मौजूद रहते हैं, जो किसी न किसी माध्यम से वह प्राप्त कर लेते हैं और आपके डाटा से और आपके एसएमएस जो उनको प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम से आपके बैंक खाते को वो खाली कर देते हैं। इस तरह से जो अपराध हो रहा है साइबर अपराधियों के द्वारा, इस तरह के अपराध से बचने के लिए आवश्यक है कि आप किसी भी अनजान लिंक को, किसी भी यूआरएल को, किसी भी ऑटोमेटिक पॉपअप को, फर्जी वेबसाइट को, लिंक को क्लिक न करें, किसी प्रलोभन में ना आए, किसी झांसे में ना आए, नहीं तो आपके साथ साइबर अपराध हो सकता है। जब भी आप कोई चीज़ें डाउनलोड करें तो विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करें ताकि आपको सही चीज़ें मिले, विश्वसनीय चीज़ मिले। यदि आपके साथ इस तरह का कोई अपराध हो जाता है तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करें तथा cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट दर्ज कराएं। जागरूक रहें, जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।